इस समय मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसके बाद गुस्से में आए ईरान ने इसराइल पर लगभग 200 मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरानी हमले से इसराइल अभी उभरा भी नहीं था कि लेबनान में उसे हिजबुल्ला ने तगड़ा झटका दिया। जमीनी लड़ाई में इसराइल के 22 वर्षीय कैप्टन समेत 8 सैनिकों को हिजबुल्ला के लड़ाकों ने मार गिराया। दूसरी ओर इजरायली सेना ने भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी है। लेबनान में चल रही भीषण लड़ाई के बीच हिजबुल्ला ने अपनी सैन्य रणनीति से IDF को पछाड़ने का दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर बमों से हमला किया है। उससे IDF में हाहाकार मच गया। उसने दक्षिणी सीमावर्त गांव के पास इजरायली सेना का विस्फोट उपकरण से निशाना बनाया। इस हमले के लिए इजरायली सेना तैयार नहीं थी और इससे उसमें अफरा तफरी मच गई। हमारे हमलों ने IDF को चौंका दिया है। हमने इजरायली सेना की यारून गाँव में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। IDF ने हिजबुल्ला के हमले पर क्या कहा? इजरायली सेना ने कहा कि 22 साल के कैप्टन इतन इत्ज़्याक ओस्टर की 2 अक्टूबर को हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई में मौत हो गई। लेबनान में युद्ध अभियानों में मारे गए जवानों की संख्या 8 हो गई है। वहीं हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी लड़ाई में इजरायल के लिए यह डरा देने वाली खबर है, क्योंकि हिजबुल्ला से पहले इजरायल पर ईरान ने मिसाइलें दागी और उसके बाद हिजबुल्ला के हौसले बुलंद हो गए और उसने भी इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया। बता दें कि इससे पहले IDF ने कहा था कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादियों के साथ उनके सैनिकों की भीषण मुठभेड़ हो रही है, लेकिन अब खबर आई है कि हिजबुल्ला ने इजरायल के 8 सैनिकों को मार गिराया है।